हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3, जिनके की 1 और 2 मैंने पहले करा दिए थे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 1 और 2 पहले करा दिए थे, थर्ड में कराता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। ए नंबर है 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको करना क्या है, 297 को कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 3, ये हो जाएंगे 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 3 20, और ये मल्टीप्लाई करके 5940। देखिए इसको मैंने कैसे किया, 297 दोनों को कॉमन लेके मैंने एक जगह लिख दिया, इसके बाद 17 प्लस 3 को मैंने जोड़ दिया, और 17 प्लस 3 हो गया 20, और 297 से मैंने मल्टीप्लाई सिंपली कर दिया 5940। बी नंबर में आते हैं 54279 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 इंटू 54279, फिर से वही चीज़ है, 54279 दोनों को कॉमन लेते हैं, 54279 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8, ये हो जाएंगे 54279 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 हो जाएंगे 100, तो ये निकल के आ जाएंगे, इसमें 100 को ऐड कर देना है, 100 को ऐड कर देंगे तो जाएगा ये 54279 00, 100 को ऐड नहीं करना, 100 को मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ गया, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर सी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सी, 81265 मल्टीप्लाई 169 माइनस हो जाएंगे 81265, फिर सेम आ गए 69, तो ये हो जाएंगे, आपको फिर से कॉमन लेना है इनको, और इनको कॉमन लेते हैं 81265 मल्टीप्लाई बाई 169, या निगेटिव है तो निगेटिव, या पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव लिया था, या नेगेटिव मैंने नेगेटिव लेना है, 69 को माइनस कर देंगे 81265 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 81265 00, आंसर आ गया डी नंबर, काफ़ी आसान है। 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 281, ये भी काफ़ी आसान है, देखिए कैसे बनता है। इनको करना क्या है, 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 और प्लस 25 को तोड़ देना है, तो 5 × 5 × 281, बाकी कुछ नहीं करना है, अब 25 को तोड़ दिए, अब 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 × 782 प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 × 281, इधर भी 5 इधर भी 5, 8 के इधर 8 के इधर प्लस के इधर प्लस के इधर, दोनों कॉमन हो गए, तो इनको फिर से ले लेना है 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 × 100, काफ़ी आसान है, 1922500 आ गए आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर,
क्वेश्चन नंबर चार, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, ए नंबर 738 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3। ये एक मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया, 100 में कितना जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 100 प्लस 3 100 बन 3, ठीक है। तो 783 मल्टीप्लाई बाई, सो इसको एक बार इसे मल्टीप्लाई करना है, इसको एक बार इसे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ देना है, तो इतना इंटू 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई बाई 3। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके 783 00 प्लस इनको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएंगे 2064, ओवरऑल 260064 ये आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं, काफ़ी तेज़ी से चलना है तो सिंपलीफाई है, सारे लोग काफ़ी आसानी से कर लेंगे इसको। 854 मल्टीप्लाई 102 ये हो जाएंगे 854 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस, अगर 2 को करते हैं तो ये दोनों को ऐड करते हैं तो इतना आ जाते हैं 102, काफ़ी आसान है। इनको 854 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 854 मल्टीप्लाई बाई 2, ये देखिए मैंने कॉमन इसको दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया, इतना हो जाएंगे 854 00 प्लस 854 इंटू टू, उनको ही निकाल के बताएगा कितना हो रहा है, 854 इंटू 2 हो जाएगा 1708, आंसर आ जाएंगे 87108। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी से हो जाना चाहिए ये सब क्वेश्चन। सी नंबर की ओर चलते हैं, चलिए सी नंबर की ओर, सी नंबर हो जाएंगे 258 258 मल्टीप्लाई बाई 1008, ये भी काफ़ी आसान है, 258 मल्टीप्लाई बाई 1008 अगर करते हैं तो काफ़ी आसान है, 258 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई बाई 8, काफ़ी आसान है, 258 000 प्लस 258 इंटू 8 हो जाएंगे 2064, ये हो जाएगा 260064। डी नंबर की ओर चलते हैं, 1005 मल्टीप्लाई बाई 168 ये हो जाएंगे 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 168 ये हो जाएंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 168 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 168, ये भी काफ़ी आसान है, 168 पे 3 3 0 प्लस 168 इंटू 5 हो जाता है 840 840 को इसमें ऐड कर देते हैं 168 168 840, काफ़ी आसान है। डी नंबर भी कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अब चलते हैं। एक मंडे के दिन ये कितना पेट्रोल फिल करता है, सवाल काफी लंबे इसलिए मैंने यह लिख नहीं रहा, पेट्रोल फील्ड ऑन मंडे 40 लीटर्स, पेट्रोल फील्ड और नेक्स्ट डे कितना कर रहा है, 50 लीटर्स, टोटल पेट्रोल फील्ड 90 लीटर्स, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल का कीमत कितना पड़ रहा है, 44, कॉस्ट ऑफ 19 लीटर पेट्रोल
90 लीटर पेट्रोल, 90 लीटर पेट्रोल निकालने के लिए 44 रुपया पर लीटर है इंटू 90, ये हो जाएंगे। इसको तरीके से अगर निकाल लिया जाए तो 100 माइनस 10 करके 44 इंटू, इसमें हम प्रॉपर्टीज अगर लगा देते हैं तो 100 माइनस 10 अगर करते हैं तो ये 100 माइनस 10 अगर ये 90 हो जाते हैं। चलिए मैं प्रॉपर्टीज लगा दिया, इतना इंटू 100 माइनस 44 इंटू 10, 44000 माइनस 44000, ये माइनस करके आ जाएंगे 3960 रुपया। इतना पेट्रोल ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर ही स्पेंट 3960 ऑन पेट्रोल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए एक बार हम 5 को थोड़ा और अच्छे से बता देते हैं। पेट्रोल फील्ड ऑन मंडे, मंडे के दिन इतना पेट्रोल फील्ड किया है कोई भी व्हीकल्स में, इसके बाद ये अगले दिन फिर इतना लीटर मतलब कि पूरा उसमें फील्ड किया, एक दिन 40 लीटर डाला, एक दिन 50 लीटर डाला, टोटल पेट्रोल दोनों दिन मिला करके ये 90 लीटर डाल दिया। जब 90 लीटर पेट्रोल डाल दिया ये, तो एक लीटर पेट्रोल की कीमत 44 रुपया था, तो 90 लीटर पेट्रोल की कीमत कितना हो जाएंगे, तो 90 इंटू 44, जिसमें कि हम प्रॉपर्टी लगा दिए। प्रॉपर्टी लगाने से होता है कि हम आसान से उसको निकाल सकते हैं, 90 इंटू हम 44 भी कर सकते थे, बट 100 माइनस 10 किए, 100 इंटू 44 किए, निगेटिव 44 इंटू 10 किए, ये प्रॉपर्टीज लगाए हम। प्रॉपर्टीज जो कि आपको हम पहले बताए थे क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2, 1 सब में प्रॉपर्टीज टाइप के सवाल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सप्लाई मिल्क ऑन मॉर्निंग, सप्लाई मिल्क ऑन मॉर्निंग, थर्टी टू लीटर्स। सप्लाई मिल्क ऑन इवनिंग, मिल्क ऑन इवनिंग 68 लीटर्स। टोटल सप्लाई थर्टी टू प्लस 68, 100 लीटर। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 15 रुपया। कॉस्ट ऑफ 100 लीटर 100 लीटर 15 × 100 1500। चलिए इसको भी प्रॉपर्टीज लगा दिया जाए, नहीं ये काफ़ी आसान है, इसको प्रॉपर्टीज नहीं लगाते हैं। 1500 रुपये हो गए, देयरफॉर 1500 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। सप्लाई मिल्क ऑन मॉर्निंग, मॉर्निंग में इतना सप्लाई कर रहा था, इवनिंग में इतना सप्लाई कर रहा था, टोटल सप्लाई एक दिन में इतना कर रहा था, और 15 रुपया लीटर थे पेट्रोल, तो पूरे एक दिन में कितना रुपया वेंडर को वो पे कर रहा था, तो 15 × 100 लीटर बराबर 1500 रुपये, ये 1500 रुपये ये वेंडर को पे कर रहा था। काफ़ी आसान है ये सब, तो बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो काफ़ी अच्छे से आप बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 6 भी कंप्लीट हो चुके हैं। 7 मैच द फॉलोइंग, पहला नंबर है 4, 2, 5 मल्टीप्लाई 1, 3, 6 इक्वल 4, 2, 5 मल्टीप्लाई
सिक्स प्लस थर्टी प्लस हंड्रेड, सेकेंड ऑप्शन में है टू मल्टीप्लाई फोर्टी नाइन इंटू फिफ्टी इक्वल टू इंटू फिफ्टी इंटू फोर्टी नाइन, थर्ड ऑप्शन में है एट्टी प्लस टू डबल जीरो फाइव प्लस ट्वेंटी इक्वल एट्टी प्लस ट्वेंटी प्लस टू डबल जीरो फाइव। चलिए इधर मैं साफ कर लेता हूँ, इसके सामने ही लिख देता हूँ। सामने में लिख देते हैं ए नंबर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन बी नंबर में आ जाएंगे आपको कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन सी नंबर में आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये भी काफ़ी आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं ए नंबर से कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन कौन सा हो जाएंगे जिसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और कम्यूटेटिव में हो। तो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन में जस्ट अब यहाँ देखिए कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन ओनली मल्टीप्लीकेशन है, तो ए नंबर का हो जाएगा सेकेंड का ए हो जाएगा कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, साफ पता चल रहा है यहाँ पे। और सेकेंड नंबर में कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो देखिए ये भी कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दोनों साइड देखिए सेम है, रिजल्ट भी इनके सेम आएंगे। अंडर एडिशन देखिए यहाँ पे ऐड का साइन दिया हुआ है ऐड, तो अंडर एडिशन बी का भी ये हो जाएंगे और सी का जो लास्ट बचा ये हो जाएगा। लेकिन इसको मैं बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीप्लीकेशन जो कि एडिशन के अंदर। देखिए यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन किया, इसको एडिशन की तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है 136 को डिस्ट्रीब्यूट किया 6 प्लस 30 प्लस 100, इसलिए इसका सी का ए हो जाएंगे। चलिए यहाँ ये समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.3 अगले लेक्चर में। थैंक यू, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सारा कर दीजिएगा।